2 अक्टूबर 2023 को जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मना रहा है, उस वक्त कुछ लोग आतंकी और गांधी की हत्यारे नाथूराम गोडसे के अमर रहने के नारे लगा रहे हैं। ये लोग किस विचारधारा, किस पार्टी या किस संगठन से आते हैं, ये आप जानते होंगे। सोशल मीडिया साइट ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर कुछ लोग नाथूराम गोडसे अमर रहे के टैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं। रोहन उपाध्याय नामक एक यूजर लिखते हैं कि यदि मातृभूमि की रक्षा करना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा, हर बार करूंगा। श्री नाथूराम विनायक गोडसे जी, वंदे मातरम, गोडसे जी अमर रहे। प्रीति यादव नाम की वेरीफाइड ट्विटर यूजर लिखती हैं कि रघुपति राघव राजा राम, देश बचा गए नाथूराम, हैप्पी बर्थडे महात्मा गांधी, ये भी टेक करती हैं। गांधी जयंती और नाथूराम गोडसे अमर रहे। महात्मा गांधी की हत्यारे गोडसे के इन समर्थकों को जवाब देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं कि जब भी गांधी का नाम आएगा, आतंकी गोडसे का नाम भी लिया जाएगा। ये सीख देने के लिए कितने भी गोडसे पैदा हो जाएं, गांधी को गोली मार दें, गांधीवाद जिंदा रहेगा, गांधी सत्य है, गांधी अमीट है। गोडसे शैतान का प्रतीक है, कल भी गोडसे गांधी से हारा था, आज भी गोडसे हार रहा है, कल भी हारेगा। मिश्रा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के पूजक कौन लोग हैं, वो किस पार्टी के समर्थक हैं, किस नेता पर फिदा रहते हैं, किस नेता के लिए झाल बजाते रहते हैं। मेरे इस ट्वीट के कमेंट बॉक्स में ऐसे नफरती अभी कूदेंगे और आप समझ जाएंगे। पत्रकार राहुल देव लिखते हैं कि गोडसे महान के भक्तों से निवेदन है, अपने बच्चों को गोडसे जैसा बनने की प्रेरणा दें, स्वयं भी बने, समाज के सामने आचरण का आदर्श रखें, सिर्फ लफाजी नहीं। हम अपने बच्चों को गांधी जैसा बनने की प्रेरणा देंगे। हे मंजूर, गांधी का विरोध कर रहे और नाथूराम की जय जयकार कर रहे इन लोगों को बीते 10 दिसंबर का वो दृश्य याद करना चाहिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 के तमाम नेता राजघाट पर पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। महात्मा गांधी के पढ़ाए गए सद्भावना और समानता के पाठ को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानता है, और उस दिन विश्व ने ये देखा भी।